सो कैसे हो मासूम बालक और बालिकाओं, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला प्रेजेंट टाइम में। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ, आप पीछे भी देख ही सकते हो। और चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। इसमें हम क्लास सिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं, मतलब क्लास सिक्स का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था कब आया था, उसका लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, उसका फॉर्म कब तक, सॉरी इसका एग्जाम कब तक कराया जाएगा, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, सभी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, कैसे कैसे करना है, पढ़ाई करना है, ए टू जेड सभी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास सिक्स का फॉर्म कब से भरना शुरू हुआ था। ये सभी चीज़ें मतलब मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको टोटल टाइमिंग कितना मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो आप लोगों का फॉर्म भरने का जो डेट था, जब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, वो डेट था आप लोगों का 23 सितंबर 2021 से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया था। और जो आप लोगों का लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 27 या 26 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी ये जो वीडियो अपलोड होगा वो 27 नवंबर को होगा, लेकिन रिकॉर्ड मैं 26 नवंबर को कर रहा हूँ। तो आप समझ ही सकते हो कि एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो वीडियो है ये 30 नवंबर तक, यानी आपका लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 30 नवंबर लास्ट डेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डेट फिक्स है, अभी चेंज भी हो सकता है, क्योंकि 17 नवंबर का आप लोगों का एक नया नोटिस आया है और उसमें ये बताया गया है कि आप लोगों को जो अपना हेडमास्टर का साइन करा करके मुहर करा करके उसको अपलोड करना है, या जो बच्चा फॉर्म नहीं भरा है उसको फिर से नए फॉर्म भरना है, तो उसको वैसे वैसे करना है। ये सब भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है, तो यहाँ पे आई बटन पे जा करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें मैंने सभी चीज़ें डिटेल में बताया हुआ है, जो नया नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या चेंजेस किया गया, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो जा करके आप देख सकते हैं। तो सो अबोध बालक और बालिकाओं, आप ध्यान से समझ लो इस बात को कि अभी आप लोगों का जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, कि ये जो डेट है इसको बढ़ाया जा सकता है। मैंने अपने जेएनबी में कुछ टीचर लोगों से भी पूछा इसके बारे में, तो उन लोगों का भी यही कहना है कि शायद डेट को 15 दिसंबर तक या उससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब ये वक्त ही बताएगा, जैसे ही इस पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो जेएनबी पाठशाला आपको जल्द से जल्द ही अपडेट कर देगा, और नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा भी अपडेट कर दूंगा, तो उसको भी आप चेक करते रहना। हेलो हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया 2022 के लिए कोई अच्छा बुक बता दो, जिससे कि हमारे नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने 2022 के लिए एकदम अच्छा बुक ढूंढ निकाला है, और वो जो बुक है वो चक्षु पब्लिकेशन का है, चक्षु पब्लिकेशन का देख लो। और साथ ही साथ मजे की बात तो ये है कि इस बुक में ऑलराउंडर BSS ने भी हेल्प किया है, यानी चक्षु पब्लिकेशन और ऑलराउंडर BSS, इन दोनों लोगों ने हेल्प करके और इस बुक को रेडी किया है। और इस बुक के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं, यानी खासियत के बारे में बात करूं, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके, तो आप खुद ही देख लो। यहां पे 8 प्रीवियस ईयर दिया गया है, जिसमें कि 2021 का भी प्रीवियस ईयर दिया गया है, और पूरा का पूरा 2014 तक दिया गया है। अब ये पिछला प्रश्न पत्र दिया हुआ है, साथ ही साथ अब आप सोचोगे कि यहां पे कंटेंट क्या-क्या दिया गया है, तो आप देख लीजिए, रीजनिंग का तो सभी चैप्टर्स दिया गया है, और साथ ही साथ मैथ के भी सभी चैप्टर्स दिए गए हैं, और हिंदी में तो हिंदी दिया गया ही, पैसेज यानी गद्यांश दिया गया ही है, और साथ ही साथ आपका हिंदी ग्रामर भी दिया गया है, और सभी चीजें एकदम हर एक चैप्टर्स डिटेल में, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने को इसमें मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको 6 मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी खरीदने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस बुक में सभी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में मिल जाएगा। और 2022 के लिए मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप डायरेक्ट जा करके वहाँ से Amazon और Flipkart से वहाँ से लिंक के थ्रू परचेस कर सकते हो। अगर आप ऐसे भी खरीदना चाहते हो तो आप Amazon और Flipkart पे जा करके बस ये लिख देना, चक्षु नवोदय विद्यालय, और आपको ये बुक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। सो मेरे दोस्तों, देखिए आप लोगों का जो फॉर्म भरा जा रहा है, मैं मान ले रहा हूँ कि सिर्फ 30 नवंबर तक ही फॉर्म भरा जा रहा है, और आप लोगों का जो एग्जाम कराया जाएगा, तो एग्जाम डेट भी आप एकदम कान खोल करके और अच्छे से सुन लो। और जिन बच्चों को पता है तो ऑल द बेस्ट कि आपको पता है, आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो है आप लोगों का 30 अप्रैल 2022 को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, 30 अप्रैल 2022, यानी और आप लोगों का जो पेपर का लास्ट डेट था, सॉरी मतलब फॉर्म भरने का, वो था आप लोगों का 30 नवंबर, मतलब 30 नवंबर तक लगभग भरा जाएगा, उससे भी आगे बढ़ा दिया जाता है तो ठीक है, फिर भी आप लोगों को जो टाइम मिलेगा वो लगभग 5 महीने का टाइम मिल रहा है। अगर डेट आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो बढ़ा दिया जाता है, फिर भी 4.5 महीने का टाइम मिलेगा, यानी प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग को 4.5 महीना 5 महीने का टाइम मिल रहा है। अगर इस टाइम पीरियड में आप चाहो तो एकदम आग लगा सकते हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ना चाहो उसको
पढ़ सकते हो, जितनी बार रिवीजन करना चाहो रिवीजन कर सकते हो। एक बुक की तो बात ही छोड़ दो, आप चाहो तो 3-4 बुक उसमें लगा सकते हो, न जाने कितने सारे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सकते हो, कितनी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जेएनबी पाठशाला पर जितनी सारी वीडियोज़ हैं 2022 के लिए, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड भी किए हैं, उन सभी को भी आप देखते रहो। जेएनबी पाठशाला पर आपको रिलेटेड, जेएनबी पाठशाला पर आपको नवोदय से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप जाकर के मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, इधर साइड में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है। सो मासूम बालक और बालिकाओं, मैंने आप लोग को ये तो बता दिया कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 30 अप्रैल को होगा, बट भैया आपने ये तो बताया ही नहीं कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, यानी जो हम लोग का हॉल टिकट होता है वो कब तक आएगा। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में भी नवोदय विद्यालय ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया था कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, यानी हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा, वो 15 मार्च 2022 को रिलीज कर दिया जाएगा। अगर पेपर आप लोगों का 30 अप्रैल तक मतलब होता है, तब अगर उसमें भी कुछ चेंजेस किया जाता है तो फिर ये भी डेट चेंज हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं तो आपको अपडेट कर ही दूंगा। अब साथ ही साथ भैया आप ये बता दिए हो कि मतलब पेपर 30 अप्रैल 2022 को हो जाएगा, तो रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखिए रिजल्ट का तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 2 महीने का टाइम लगता है। तो अगर अप्रैल का लास्ट में आप लोग का एग्जाम हो रहा है 30 अप्रैल को, तो मई और जून यानी जून के लास्ट में मैक्सिमम चांसेस है या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर 30 अप्रैल 2022 को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है तो उस दिन आप लोगों का रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट भी फाइनल आ जाएगा। सो मासूम बालक और बालिकाओं, मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों के पास कोई भी डाउट होगा। अगर इसके बाद भी किसी भी मासूम बालक और बालिका के पास कोई भी कॉमेंट है या कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। या कोई भी माता पिता भी देख रहे हैं तो आप लोग भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों वगैरह के पास, या अपने रिलेशन में कोई भी फॉर्म वगैरह भरा है या किसी को भी नवोदय में इंटरेस्ट है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। और जेएनबी पाठशाला पे नए हैं तो मैं भी तो यही बोलूँगा आपसे कि जेएनबी पाठशाला से जुड़ जाइए, जेएनबी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय नवोदय।